बालक एवं बालिका हैं, सभी के हृदय में विराजमान मैं ठाकुर बांके बिहारी लाल को प्रणाम करता हूँ। श्री राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुगबानी, करहु प्रणाम जोरे जुगबानी। देखिए भागवत की कथा आपने अनेकों बार सुनी होगी, हर जगह होती है, लेकिन हम सुनते खूब हैं, उसके अर्थ को खूब सुनते हैं, लेकिन हम उसके अर्थ पर ध्यान नहीं देते। भागवत का अर्थ क्या है? प्राय वक्ता और श्रोता दोनों का ही भागवत के अर्थ पर ध्यान नहीं, भागवत से अर्थ कैसे मिलेगा इस पर ध्यान रहता है। अगर हम भागवत के अर्थ पर ध्यान दें तो शायद कोई कथा ही नहीं कहेंगे, सभी परम हो जाएंगे, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। कम से कम घर गृहस्थी के सारे कार्यों को छोड़कर दिमाग में जो कुछ भी हो बैठकर भागवती जो गंगा है उसमें हम सब लोग गोता लगाएंगे। हम इस भावना से कथा का श्रवण करें कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आए, उस गोविंद के उस कन्हैया के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। इसी भाव से हम आज यहाँ सब लोग बैठकर कथा श्रवण के लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, कोई अलग से नहीं। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की कि मुझे इस मंच पर बिठा ला। मैं कहने में सामर्थ्यवान नहीं हूँ, भगवान की कृपा उनका आशीर्वाद और आप सब लोगों का आशीर्वाद साथ में मिला हुआ है, इससे यहाँ बैठकर मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूँ। मेरे कहने का सामर्थ्य नहीं है, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। पेश करते हैं, महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा कहते हैं महिमा, महानता। जैसे यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, कोई महान संत, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति या कोई नेता आकर यहाँ पर बैठ जाए, लेकिन जब तक हम उन्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं, हम उनसे बात भी नहीं करेंगे। मम्मा कहाँ है? कोई आकर हमें उनसे परिचय करा देगा, भैया ये अमुक संत हैं, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनका इतना नाम है, तुरंत हम खड़े होकर उनके सत्कार में लग जाएंगे। उस समय बताया कौन है सलाहकार? श्याल लोग बुद्धिदायक है, ससुराल से साली जी को बुलाया जाता है, सलाह लेने के लिए फोन लग जाएगा, साली जी बताइए क्या करें, घर में ये काम होना है। लेकिन ब्रज में ये कहावत है, दीवार बिगारे यारो और घर बिगारे। भैया बुरा मत मानिए, कोई बैठो हो तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रज की कहावत है। तो बोले
तरुणी प्रभुता घर में नई बहू नहीं चलती है। श्याल को बुद्धिदायक सलाह लेने के लिए साली जी को बुलाया जाता है, बड़े बूढ़ों को कोई पूछता ही नहीं। घर में नई बहू आई और बड़े बूढ़ों की सेवा कब तक है? जब तक वो अपनी चाबी न सौंप दे। जब मालकी की वो चाबी सौंप दे जिस दिन, उसी दिन उनकी खाट पड़ जाती है बाहर, और दरवाजे के बाहर कौन रहता है सब जानते हैं। तो फिर तो उनकी वही हालत होती है, उनकी सेवा चाबी तक है बस। पहले जमाने में बच्चों की शादी होती थी तो ढूंढते थे संबंधी, संबंधी समधी। समधी किसे कहते हैं? जो हमसे बुद्धि में सम हो, विचारों में सम हो, उसे कहते हैं संबंधी। लेकिन आजकल तो बेटा बेटी का विवाह नहीं होता, क्रय विक्रय हो रहा है। अरे जहां हमारा सौदा पट जाए वही हमारा संबंधी, 25 लाख देगा वही हमारा संबंधी, नहीं कोई संबंधी नहीं। चाहे वो हमारी लड़की को ले जाकर कल नमक तेल डाल के और लगा दे, कुछ भी कर दे कल, उससे मतलब नहीं। ये हमारे विचारों लायक है, हमारे लायक है, इसके विचार अच्छे हैं कि नहीं, उससे मतलब नहीं। बस हमारी लड़की सुखी रहे, पैसे वाला है हमारा। आजकल अपनी कन्याओं का विक्रय करने लगे हैं, कन्या विक्रयणो लोभात। और बोले चौथी बात है, दंपति नाम च कलकनम। पति पत्नी में महाभारत हो रहा है महाराज, पति पत्नी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। जब ये सारी चीजें मैंने देखी तो मेरा मन बड़ा उदास हुआ, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। ये सारा दोष एवं पश्यन कले दोषान पर्यटन नवनीमहम यामन्नहं तट्टमापन्नो यत्र लीला हरेर्भू। ये सब देखते हुए जब मेरा मन उदास हुआ तो मैं खिन्नमना होकर सीधे श्रीधाम वृंदावन में चला गया। वृंदावन में जाकर और मैंने एक कौतुक देखा, यमुना जी के किनारे एक स्त्री बैठी थी, उसके पास दो वृद्ध पुरुष थे, हजारों स्त्रियां थी उसकी सेवा कर रही थी। ये आचार्य मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो इससे पूछता हूँ कि ये इतनी स्त्रियां यहाँ बैठी हैं, ये रो रही है, ये दो वृद्ध पुरुष खड़े हुए हैं, ये कौन है, क्या है, इनसे बात करूं। तत्ताशर्यमया दृष्टः श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसः। मैं सब देखते देखते उन स्त्रियों के पास पहुंच गया, बोले चलो इनसे पूछता हूँ। मैं उनके पास तक गया, फिर मैंने सोचा भैया मैं उनसे पूछूंगा, स्त्री का समुदाय है, जहाँ स्त्रियां बैठी हों उनके पास अब पुरुष अगर जाएगा तो कहीं वो पूछने लग जाए आप कौन हो, क्यों चले आ रहे हमारे तरफ। स्त्री समुदाय बैठा है तो बोले मुझे नहीं जाना चाहिए, सोचकर मैं दोबारा लौट कर आने लगा। तभी उन स्त्रियों ने मुझे रोक दिया और बोलने लगी, भो भो साधु शरणं तिष्ठा तव लोकस्य सर्वता गहरं परम। अरे महाराज जी जरा ठहरिए, आप कहाँ जा रहे हैं, मेरे कष्ट की निवृत्ति करके जाइए, मेरी चिंता का उपाय करके जाइए। जब उस देवी ने मुझे रोका तो मैंने उस देवी से पूछा, काशित तुम काव्यमो, देवी आप कौन हैं और ये दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये कौन हैं? तो उस देवी ने कहा, अहम भक्तिरिति, मेरा नाम भक्ति है और ये दो वृद्ध पुरुष हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और जितनी भी स्त्रियां बैठी हैं ये सारी गंगा आदि नदी हैं जी मेरी सेवा में हैं।
तो मैंने पूछा, देवी आप जवान हैं, तरुणी हैं और आपके बच्चे वो वृद्ध हैं, ये कैसे ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा, महाराज उत्पन्ने द्रवणाशा हम वृद्धि कर्नाटके गता। बोले प्रभु मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र प्रदेशों में कहीं पर ऋण छीण हुई और मुझे पाखंडियों ने खंडित कर दिया। मैं अनेक देश प्रांतों में घूमती घामती श्रीधाम वृंदावन में आ गई। वृंदावन में आते ही मैं तो जवान हो गई। वृंदावन में आप जाएंगे तो भक्ति को पूछने वाले बहुत हैं। वहां तो हर गली से निकलेगी राधे राधे। भक्ति को पूछने वाले अनेक हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए महाराज। बोले प्रभु आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे इन वृत्तों का बुढ़ापा दूर हो सके। वृंदावन वनम प्राप्य नवीन स्वरूपिणी। वृंदावन में आकर मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे बालकों को बुढ़ापा आ गया। अगर इनका बुढ़ापा दूर नहीं आया तो महाराज मैं इस स्थान को भी छोड़कर चली जाऊंगी। विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, अरे आप तो गोविंद की प्राण प्रिया हो, प्राण वल्लभा हो, आप तो उनका ध्यान करो। बोले मैं ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापे के दूर करने का उपाय जरूर करूंगा। तेरे आश्रय में जो रहते हैं वो सच्चिदानंद को पाते हैं, तेरे प्रेम सूत्र में बंध कर हर्षवरी के घर भी आते हैं। घर घर में तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें कोई त्राश नहीं, जो न करूं ऐसा तो मैं हरि का सच्चा दास नहीं। यहां नारद जी ने अपनी दास्ता को चुनौती पर लगा दिया। बोले देवी आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों के बुढ़ापे को दूर करने का उपाय जरूर करूंगा। यहाँ नारद जी ने अनेकों प्राण शास्त्र वेद पाठ अनेकों यहाँ भक्ति मैया को श्रवण कराए, ज्ञान वैराग्य को सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तो नारद जी हताश हो गए। देखिए जब इंसान को अपना बल होता है, अपना बल होता है तो वो अनेक उपाय करता है, तब तक भगवान की मदद नहीं करते। जब वो हार कर कह देता है प्रभु मैं तेरा हूं, तेरी शरण में हूं, अब मैं हार चुका हूं, तो तुरंत भगवान उसकी मदद करने आ जाते। जी जब थक गए, गीता पाठेर मुहुर मुह, अनेक बार गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत वशिष्य गीता पाठेर मुहुर मुह, लेकिन उनके ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, तब जाकर आकाशवाणी हुई। जब प्रभु का ध्यान किया तो बोले नारद जी, व्योम वाणी तदेवा भून ऋषे खेद्यतामिति उद्यम शपलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। बोले नारद जी आपका उद्यम अवश्य सफल होगा। बोले आप सत्कर्म कीजिए। तो नारद जी ने कहा, महाराज जब से मैं कर रहा था ये क्या है, ये सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म क्या है, कौन बताएगा मुझे? तो आकाशवाणी ने कहा, कोई संत बताएगा। नारद जी ने कहा, महाराज ये तो बताइए, संत का नाम तो बता दीजिए, कौन से संत बताएंगे? लेकिन ये नहीं बताया। अब नारद जी वहां से सीधे अनेकों तीर्थों में सारे संसार में घूमे, किसी भी संत के पास जाते, लेकिन कोई उन्हें बताने वाला नहीं। जब तक नारद जी को
अपने बल का भरोसा था, तब तक उनको रास्ता नहीं मिला और जब उस परमात्मा से डोर लगा दी तुरंत आकाशवाणी हो गई। आप बल तप बल और बाहुबल चौथे हैं बलराम, शूर किशोर कृपाते सब बल हरि को हरि नाम। हमारे कराए वाले बाबा एक शेर कहा करते थे, खुदा मंजूर करता है। कराए वाले बाबा का ये जो पटिया वाले बाबा हुए हैं उनका शेर है, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, जब हम दिल से पुकारते हैं तभी वो परमात्मा हमारी दुआ को मंजूर करता है, तभी वो हमारे सामने आता है। यहाँ नारद जी ने जब पुकारा तो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म कीजिए। नारद जी सब जगह संतों के पास जाते पूछते, महाराज बताइए सत्कर्म क्या है। अब एक बात बताइए, कोई दिल्ली से एम्स का डॉक्टर आकर किसी गांव के झोलाछाप डॉक्टर से पूछे, भैया कोई दवाई बता दो, किसी प्रकार की दवाई पूछे तो कोई बताएगा क्या? बोले महाराज आप इतने स्पेशलिस्ट चीज के हमसे पूछ रहे हो, तो डर के हमारे भाग जाएगा। तो नारद जी के सामने कोई टिकता ही नहीं। मुंह की भूता तथा क्लियंतस्तु पलायतः, बोले कुछ लोग तो मौन हो गए, किसने इशारा कर दिया महाराज नारद जी हम तो इस समय मौन चल रहा है, नारद जी के मारे बोलते ही नहीं। कुछ लोग इधर उधर भाग जाते हैं लेकिन कोई उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला नहीं। तब नारद जी आज सनत कुमारों से मिले, नारद जी ने कहा बोले आप ही बताइए वो सत्कर्म जो बताया था वो सत्कर्म क्या है। संत कुमारों ने कहा नारद जी बस इतनी सी बात, बोले इसका उपाय हमारे पास है, आप चिंता मत करिए। माँ चिंता गुरुदेव ऋषि हर्षं चित्ते समावह उपायम, बोले आप चिंता मत कीजिए इसका उपाय हमारे पास है। श्रीमद् भागवता सुकादि भी उसका उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण।